जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज़। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 457 पद निकाले गए हैं एंड आप इसका फॉर्म 9 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी रहनी चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर आइए और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर लैपटॉप से कैसे भरना है उसकी वीडियो बना दी है। अभी स्पेसिफिकली ये वीडियो मोबाइल से कैसे फिल करना है फॉर्म को उसके बारे में बनाई जा रही है। तो आप ये सभी जानकारी करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, जिसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आप यहां पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी एक कर रखा है और मेरे पास उस वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं। कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि ये तो पुरानी वीडियो है, तो उन्हीं के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार ही होता है और वो मैंने कर रखा है, जिसका प्रोसेस इस वीडियो में ऐड होगा, जिसको देख करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर फॉर्म कैसे भरना है वो आपको मैं अच्छे से यहां पर नए वे में बताने वाला हूं। तो आप यहां पर आइए और न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम, अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो डीओबी है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो और इसके बाद में डे, एंड इस डीओबी को दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे, कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहां पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देकर के आपके पासवर्ड को रिसेट करने का मौका मिलेगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहां पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहां पर रजिस्टर किया है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी गया होगा, आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया ओटीपी फिल करना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालना है, एंड देन आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आप यहां पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का, यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहां पर डाल करके लॉग इन करेंगे। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, यहां पर आप आपका जो गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी आया है वो ओटीपी डालेंगे और फिर आप यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहां पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप यहां से जान लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप यहां पर जो ये जो बेल आइकन देख पा रहे हैं इसमें आपको बीच
वाले के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए है, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आना है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप अगर क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी और ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऑप्शन का कोई भी लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है। तो गाइज आपको प्ले स्टोर में जाना है या फिर अगर आप एप्पल यूज करते तो आपको ऐप स्टोर में जाना है, जहां पर आपको डेस्कटॉप ब्राउजर सर्च करना है। डेस्कटॉप ब्राउजर सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी वो आपको ओपन करनी है। उसको ओपन करने के बाद में ये जो वेबसाइट है जो आप यहां पर अभी देख पा रहे हैं ये उसके अंदर आपको ओपन करनी है और इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इस अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं कोई वीडियो देखते हैं ऐसे करके चलाना है और उसमें जूम इन जूम आउट कर लेना है। एंड जैसे ही आप जूम आउट करेंगे तो आपको यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब गाइज यहां पर आपके सामने आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो कि एक्टिव है जैसे ही आप यहां पर इसमें ब्राउजर डेस्कटॉप मोड में इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। फिर आप यहां पर नीचे और ऊपर देख सकते हैं आपकी वैकेंसी डाली गई है, तो आपको इसमें अगर अपनी जानकारी को एडिट करना है जो कि OTR की है तो आप यहां पर अपडेट एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको क्लिकर फॉर पार्ट वन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को रीड करते हुए चेक करते हुए आप यहां पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यस करने के बाद में यहां पर आपके सामने एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल आएगी जहां पर आपको नेशनलिटी इंडियन रहने देना है और इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है, EWS जनरल OBC SC ST। अगर आप OBC है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, अगर आप करते हैं क्रीमी लेयर से बिलोंग तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते, वहां पर पढ़िएगा आपका सर्टिफिकेट कास्ट का और उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। अगर आप SC ST है तो तब भी आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नंबर आप यहां पर डालेंगे। इसके बाद में कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है, तो इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम आपको यहां पर लिखना है उसकी पोस्ट का, और ये नाम भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होगा। जहां पर मोहर लगी हुई होती है जहां पर साइन हो रखे होते हैं वहीं पर आपको उस अधिकारी का नाम भी दिया होता है और उसकी कौन सी पोस्ट है वो भी दिया गया होता है, तो वही आपको यहां पर लिखना है। फिर कब ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया इशू कराया वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है, तो यहां पर आपके सामने तीन विकल्प है। पहला है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर ली है या फिर कर रहे हैं या फिर अभी आप अपीयर्ड है, तो अगर आप ऐसे हैं तो और आपके पास जो ये क्वालिफिकेशन है डिग्री है ये आपकी फिजिक्स एंड मैथ के साथ में होनी चाहिए 10+2 लेवल पर, तो आप पहले वाला टिक करेंगे। बट अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप यहाँ पर सेकंड वाला टिक करेंगे, या फिर आपके पास डिग्री है पर आपके पास यहाँ पर जो फिजिक्स एंड मैथ है वो 10+2 लेवल पर नहीं थे तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। तो जो भी है आपके पास इनमें से स्टेटस आपकी क्वालिफिकेशन का वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट टू के अंदर आपका एड्रेस लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको तीनों लाइन के अंदर एड्रेस में लिखना है और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन गाइज आपको आपका पिन कोड डालना है और पिन कोड डालने के बाद में यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर कोई एक आईडी इनमें से सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर डाले, दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दे। एंड ये आईडी आपको यहाँ पर अपलोड भी करनी है जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। फिर यहाँ पर गाइज आएगा एक सवाल जहाँ पर है कि क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है, अगर है तो यस करें नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आती है प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर ये जो प्रेफरेंसेस है वो आप आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी दे पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सभी पर प्रेफरेंस दे सकते, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तभी आप यहाँ पर इन सभी को प्रेफरेंस दे पाएंगे। जैसे कि अगर आपको IMA को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है तो आप इसमें एक लिखेंगे, INA को आपको दूसरी देनी है और आप इस पर एलिजिबल भी है तो आप यहाँ पर दो लिखेंगे, AFA को आपको तीसरी प्रेफरेंस देनी है तो तीन लिख देंगे, नहीं तो आप जीरो भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप OTA के लिए भी एलिजिबल है और आप इसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो भी नंबर पर इसको रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर अगर आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए तो आप यहाँ पर जीरो लिखेंगे। फिर एक और सवाल आता है कि क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन है या फिर मिलने की संभावना है, अगर है या फिर मिलने की संभावना है तो किस डिपार्टमेंट में है वो सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नन ही रहने देंगे। फिर सवाल आता है कि क्या सैन्य बल में कार्यरत है, अगर आप है तो यस नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर आप रखते हैं तो यस नहीं तो आप नो करेंगे। एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज पहले तो आपके रिलेशन की जानकारी का प्रीव्यू आएगा यानी कि सभी जानकारी को आप चेक करेंगे। एंड उसके बाद में अगर आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट
अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब जाकर के वो अपने फॉर्म का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, यानी कि पहले फीस जमा करनी है। एंड जब आप अपना जो कैंडिडेट SST से भर रहे हैं उनके लिए इंटरफेस नहीं आएगा, डायरेक्टली उनके सामने यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, यानी कि उनको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और वो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उनको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एंड साथ ही साथ इस जानकारी को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। फिर गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको फोटो अपलोड, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आप आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे और उसके पहले आपको जान लेना है कि आपका फोटो इस तरह का एक्सेप्ट है और इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट है। फोटो का फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए, साइज 20 से 300 KB के बीच में और पिक्सल 350x350 फोटो का, एंड सिग्नेचर का 1000x1000 रहना चाहिए। तो आप आइए और आपकी फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर आपको एक एग्जाम सेंटर की लोकेशन सिलेक्ट करना है कि मैं यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहता हूँ। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देखेंगे और इसके बाद में आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। अभी गाइज अगर आपको आपका प्रिंट लेना है तो आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ही ओपन करके रखे हो। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर जाना है या फिर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि आपने अभी इस पर अप्लाई किया। आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन इसके ऊपर इसके नीचे क्लिक करके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग UPSC CDS फर्स्ट 2024 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से फिल करेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।